सम्मानित किया उनके लिए आपका क्या मार्ग है? आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक ऐसा ये कार्यक्रम था। ऑल इंडिया शास्त्रीय सोशल फोरम के माध्यम से कई साल से समाज के वो विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हर साल सम्मानित करते हैं और उनको सामने लाने का काम ये शास्त्रीय फोरम करता है। क्या लगता है समाज के लोगों ने और क्या किया? आज एक अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ उपस्थित था। आज के कार्यक्रम से लगता है कि शास्त्री जी के विचार लोगों तक पहुँचाने का काम यह संस्था पिछले 40 साल से कर रही है और नागपुर शहर में यहाँ और कई अच्छा काम करने वाले लोगों का यहाँ पे सम्मान किया गया है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए युवा में मैं ये देख रहा हूँ कि आज का प्रोग्राम आपके समाज का अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार दिया गया हुआ है। इससे पहले भी उनको 136 अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 22 फरवरी 2022 को उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल के हाथ से भी एक बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आई मीडिया टीवी से मैं शाहरुख खान। आज नागपुर शहर में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम लिया गया, शास्त्री गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिन लोगों ने समाज में बहुत अच्छा काम किया। आज के अतिथि मेरे साथ में अभिजीत वंजारी जी जिनका नागपुर शहर में बहुत बड़ा योगदान है और अभिजीत वंजारी जी इस वक्त मेरे साथ में, गिरीश पांडव जी मेरे साथ में हैं और एजुकेशन आमदार जी मेरे साथ में हैं। अभिजीत वंजारी जी आज बहुत ही अच्छा पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज में अच्छा काम किया है। आज आप अतिथि थे, आने वाले युवा पीढ़ी के लिए और जिन लोगों को सम्मानित किया उनके लिए आपका क्या मार्ग है? आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक ऐसा ये कार्यक्रम था। ऑल इंडिया शास्त्रीय सोशल फोरम के माध्यम से कई साल से समाज के वो विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हर साल सम्मानित करते हैं और उनको सामने लाने का काम ये शास्त्रीय फोरम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि समाज की सेवा करते हैं लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आते, कहीं सामने नहीं आते, तो उनको सामने लाने का कार्यक्रम ये आज उन्होंने रखा था और उनके माध्यम से नई पीढ़ी को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको क्या लगता है समाज के लोगों ने और क्या किया? आज एक अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ उपस्थित था। आज के कार्यक्रम से लगता है कि शास्त्री जी के विचार लोगों तक पहुँचाने का काम यह संस्था पिछले 40 साल से कर रही है और नागपुर शहर में यहाँ और कई अच्छा काम करने वाले लोगों का यहाँ पे सम्मान किया गया है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ में गिरीश पांडव सर भी हैं जिनका बहुत ही अच्छा एजुकेशन में नागपुर में नाम है। गिरीश पांडव सर आज कार्यक्रम में भी थे और जैसा आपने पूछा शिक्षा क्षेत्र के अंदर युवाओं के बारे में, अभी आपको पता है कि सारी दुनिया के अंदर में और विशेषतः इंडिया के अंदर में बेरोजगारी का प्रश्न बहुत बड़ा है और बेरोजगार का प्रश्न जो है युवाओं के सामने बहुत बड़ा है। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर में भी जैसे अभिजीत भैया है, मैं हूँ, बाकी हमारे आमदार शिक्षक आमदार जो है सुधर जडवानी जी हैं, हम खास तौर पर युवा के ऊपर में ध्यान देकर कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको किस प्रकार से आगे बढ़ा ला सकते हैं और उनके बेरोजगार किस प्रकार के दूर कर सकते हैं, ये प्रयत्न हमारे साथ है। आई एम इंडिया टीवी से मैं शाहरुख खान। इस वक्त नागपुर शहर में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम लिया गया है जिसके अंदर काफ़ी सारे आमदार भी आए थे और ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है। 2023 का प्रोग्राम पुरस्कार जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, जिनके पत्रकारिता में सच्चाई होती है, ऐसे मेरे साथ में TNN न्यूज़ के चीफ रियाज शेख सर है जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड उनके लिए पहला नहीं है। इससे पहले भी उनको 136 अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 22 फरवरी 2022 को उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल के हाथ से भी एक बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रियाज सर, आई इंडिया टीवी पे आपका बहुत स्वागत है। आप एक आईकॉन पर्सन हो, पत्रकारिता में आपकी बहुत सच्चाई है और जहाँ पर भी आप जाते हो वहाँ की जब रिपोर्टिंग करते हो तो एक शहर को सच्चाई की पूरी जानकारी मिलती है। आज इस पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है, सारे आमदार आए थे, एजुकेशन आमदार आए थे, उनके हाथों सम्मानित किया गया है आपको। आज ये कैसा मूवमेंट है और आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आई एम इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो यहाँ तक आए। शाहरुख साहब बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी लगन है उनकी भी इस न्यूज़ चैनल में लगातार काम करते हैं। आज ऑल इंडिया शास्त्रीय फोरम नई दिल्ली, ये एक सोशल एक्टिविटी करते हैं ये लोग और उन लोगों को चुना जाता है भारतवर्ष से जो वाकई में अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पत्रकारिता क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या कोरोना योद्धा। तो ऐसे लोगों को
यहाँ सम्मानित किया है। मैं ऑल इंडिया शास्त्रीय पुरस्कार से सम्मानित आज किया गया हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ इस फोरम को, इस सोशल वर्कर पोर्टल, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज के वो सच्चाई के साथ वाकई में आज भी दुनिया देखती है जो सच्चाई से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसे लोगों को देखने का अवसर हमें प्राप्त होता है। और मुझे 136 जैसे कि आपने बताया कि पुरस्कार जीत चुके हैं महाराष्ट्र के बारे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी मुझे 22 फरवरी 2022 को सम्मानित किया था अपने राजभवन में। तो जब हमें ये पुरस्कार मिलता है तो हमारी ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। जैसा कि हमें कोई सम्मानित करता है हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, और पुरस्कार की कोई कीमत नहीं होती। जब तक वो शॉप में होता है तो उसकी कीमत रहती है, उसे पैसों से तोला जाता है, लेकिन वो जब शॉप के बाहर हो जाता है और किसी संस्था के या किसी नेक दिल या नेक इंसानों की संस्था के हाथों में वो चले जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज हमें यहाँ ऑल इंडिया शास्त्रीय फोरम नई दिल्ली लोगों ने वहाँ में कमला नेहरू कॉलेज में नवाजा है, सत्कार किया है, हमारा बहुत अच्छा सम्मान किया है। तो मैं सभी ऑल इंडिया शास्त्रीय फोरम के जितने भी पदाधिकारी हैं दिल्ली से लेकर नागपुर तक उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दीपकर भाई है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बंजारी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, टोटली सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और शुक्रिया उनका भी अदा करता हूँ। मेरे पत्रकार भाई मेरे सोशल मीडिया से यहाँ मौजूद है, प्रेस से भी मौजूद है, और सभी मेरे दोस्त मंडल यहाँ मौजूद है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे इस खुशी के मौके पर आप सब न्यूज़ चैनल वाले प्रेस वाले सभी यहाँ मौजूद है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ मौजूद है। रियाज सर, एक आखिरी सवाल होगा आपसे, इस बड़े पुरस्कार से आपको आज सम्मानित किया गया है, युवा भी आज पत्रकारी क्षेत्र में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं आज की पत्रकारिता को ग्राउंड लेवल पर, आप भी काम करते हो, जो सच्चाई आपके इसमें है, बाकी इसमें क्या आप ऐसे देखते हो या फिर आप उनके लिए क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे, क्योंकि समाज में पत्रकार की स्तंभ का जो मुकाम दिया है, सब अपने जो है स्तंभ का मुकाम दिया है, क्या कुछ देखते हो पत्रकारों में, उनके लिए मार्गदर्शन करना चाहोगे? देखिए, मेरे पूरे भारत के पत्रकारों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता करें, ईमानदारी से करें, समाज सेवक समझ के करें, और इसको धंधा ना बनाएं। अगर आप ईमानदारी से लगातार मेहनत करेंगे तो मैं अक्सर हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमें हम दुनिया को सिर्फ दो आंखों से देखते हैं, लेकिन हजारों आंखें हमारे तरफ ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं कि आई एम इंडिया टीवी न्यूज़ कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, वाकई में अगर वो काम कर रहा है तो उसे लोग करेंगे, मुबारकबाद देंगे, क्योंकि लोगों को दिखता है। तो हम सक्सेस के पीछे ना दौड़ें, सक्सेस हमारे पीछे खुद झट मार के आता है जब हम ईमानदारी से काम करते हैं। सारी टीम की तरफ से हम आपको बहुत बधाई देते हैं आपके इस अवार्ड के लिए, और आने वाले भविष्य के लिए आप जो काम करते हैं समाज के लिए, और जितने भी पत्रकार जो काम करते हैं समाज के अंदर, उन सब की तरफ से आपको इस पुरस्कार के लिए बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन, और लाइफ में आप ऐसे हमारे बहुत सारी टीम की सारी माएँ आपके साथ हैं। आई एम इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आई एम इंडिया वॉचिंग यू आई एम इंडिया न्यूज़ चैनल यूट्यूब, थैंक यू। रियाज सर मेरे साथ में थे जिन्हें इस पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही बड़े पुरस्कार से आज सम्मानित किया गया। मैं आई एम इंडिया की ओर से शाहरुख खान, जय हिंद। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कैडेंस सदर, एडमिशन ओपन फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।